हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं स्प्लेंडर प्लस है और इसमें ECM का लाइट नहीं आ रहा है। जो फ्यूल पंप की मोटर वगैरह स्टार्ट होती है वो लाइट बिल्कुल नहीं आ रहा है। इग्निशन ऑन करने पर खाली न्यूट्रल का सिंबल शो कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो अगर ये लाइट ना आए, ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं फ्यूल पंप की मोटर वाली गाड़ी है, BS6 गाड़ी है। इसमें फ्यूल पंप आता है कार्बोरेटर की जगह। तो इसमें जब भी ECM का लाइट ना आए तो ये जो ECM है ये आप लोग देख रहे हैं ये शॉर्ट होने के कारण ही इसमें लाइट नहीं आता है। और अभी यार कस्टमर की डिमांड रहती है कि भाई आप लोग चेक करें अच्छे से। तो कस्टमर डिमांड पर मैंने पूरी गाड़ी चेक करी, सभी चीज़ें चेक करी, फ्यूल पंप वगैरह सब कुछ ठीक था। तो फिर लास्ट में मैंने इसका ECM रिप्लेसमेंट पर डाला। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये पुराना ECM है उसका और ये मैंने नया वाला फिट कर दिया है। और ये उसका जो प्राइसिंग है वो 4000 के आसपास का मुझे पड़ा है। और ये आप लोग देख सकते हैं मैंने कोड उसका मैच करके लगाया है। प्लस ये विदाउट i3s वाली गाड़ी है, एक i3s की बटन वाला भी मॉडल आता है। तो आप लोग इसका पार्ट मैच करके एकदम सेम वाला लगाएं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं अब नया ECM डालते ही इसकी FI की लाइट भी वापस आ गई है। तो चलिए जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं बाइक बिल्कुल एकदम स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियोस और लाते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत